भ्रष्टाचार के मामले में फंसे आईएएस ऑफिसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद संजय पोपली की पत्नी ने विजिलेंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विजिलेंस ने उनके 27 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या की है। उन्होंने मान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके परिवार को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, जिसके चलते उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। इसके अलावा फैमिली फ्रेंड्स ने भी आरोप लगाया कि विजिलेंस द्वारा कार्तिक पोपली को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। वहीं विजिलेंस टीम की ओर से कहा जा रहा है कि कार्तिक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। परिवार का कहना है कि रिकवरी करने आए विजिलेंस टीम ने संजय पोपली और उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों को नीचे रखा, जबकि उनके बेटे कार्तिक को ऊपर दूसरी मंजिल पर ले जाया गया और उस पर गोली चला दी। आपको बता दें कि संजय पर पंजाब और हरियाणा समेत अलग अलग ठेकेदारों से टेंडर निकालने के बदले बड़ी मात्रा में रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस और विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब उनके घर की तलाशी ली गई, तो वहां पर भी उनके घर से बहुत सारे जिंदा कारतूस मिले थे, जिसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।